हाँ जी मित्रों, मैं हूँ डिजिटल निकुल और आज मेरे पास YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और बढ़ते हैं हमारे न्यूज की तरफ। YouTube कम्युनिटी के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बेसिकली हुआ क्या कि आज से कुछ दिन पहले हमें भाई रजत दलाल का न्यू लफड़ा देखने को मिला था, जिसमें 18 साल के बच्चे के साथ गंदी हरकतें की थी, इसलिए अहमदाबाद पुलिस ने रजत दलाल को अरेस्ट वगैरह किया था। ऑल्सो काफी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत रजत दलाल के बायकॉट करने की भी कोशिश की थी। थगेश को काफी ज्यादा हेट मिला था कि यार रजत दलाल के ऊपर कुछ भी नई वीडियो नहीं बनाए थे, उल्टा रजत दलाल के साथ में एक कॉलअप वीडियो बनाया था, उनको अपोलॉजी मांगनी चाहिए। इस तरीके से उसके बाद ने थगेश ने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड कर दी थी, जहां पर वो रजत दलाल के ही सपोर्ट में थे एंड ना ही वो उनका नाम बदनाम वगैरह कर रहे थे। इस तरीके से मतलब वो काफी ज्यादा नेचुरल, लेकिन ये सब इस चीज को सम्राट भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड सम्राट भाई ने उस वीडियो पर एक काफी एंग्री रिप्लाई दिया है। ऑल्सो गाइस, थगेश को एक्सपोज भी किया है अपनी रिसेंट वाली वीडियो में, जहां पर उन्होंने यार रजत दलाल को दोनों को एक साथ एक्सपोज किया, तो क्या कुछ किया है सम्राट भाई ने। ऑल्सो थगेश के बीच में कंट्रोवर्सी, उनके वीडियोस की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। मैं आपको समझ में आ गया होगा कि रजत दलाल किस टाइप का इंसान है। इतने घटिया कृत्य करने के बाद भी इसको सिर्फ लिमिटेड लोगों ने ही कॉल आउट किया है, और कुछ लोगों ने तो ऐसे कॉल आउट किया जैसे कि वो एहसान कर रहे हैं इसको कॉल आउट करके। जी हाँ गाइस, यहाँ कोई इफ और बट नहीं है, यहाँ मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ थगेश की। इस पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है, लेकिन अगर वो बच्चा कुछ कर लेता वो कल को जाके सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा। इतना सब उसके साथ हो गया, उसको चिढ़ाएंगे फ्रेंड्स वगैरह। तुम क्रिएटर्स अब ऐसे गुंडों को डिफेंड भी करोगे? देखो थगेश भाई, ऐसा है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसको कॉल आउट किया जा रहा था, नहीं, सबको कॉल आउट किया जा रहा था, मुकरा को भी, लक्ष्य को भी, एलविश को भी, लेकिन मिर्ची किसको लगी? आपको लगी। तो ऐसी क्या गलती कर दी थी आपने जो आपको इतनी तेज मिर्ची लग गई कि आपको वीडियो बनानी पड़ गई? डिफेंड किस बात का भाई, अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए, और वीडियो भी बना रहा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन ढंग से तो कॉल आउट कर लो। नहीं, उसने गलती की तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, वो तो मिलेगी। आपके बोलने से या ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये बोलते ना कि नो डाउट मेरे से गलती होगी, मैंने ऐसे इंसान के साथ कॉल अप लिया, तो मैं मानता कि हाँ आपको अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन ये सारी चीजें ना बोलते हो आप अपने आपको क्लीन चिट दे रहे हो, जो कि गलत है। थगेश भाई ने अपनी वीडियो में एक हैशटैग और रेड के बारे में ये बात की। ज्यादा बोल मत, अभी ट्विटर ग्रुप से रेड करवाता हूँ तेरे ऊपर। गाइस स्पैम करो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वीडियो डिलीट कर। थगेश, शेम ऑन थगेश। देखिए, इस रेड के बारे में जितने लोगों को पता उनको पता है, 1500-2000 लोग थे उस टाइम पे स्पेस में। आप सब जानते हैं कि ये जो रेड थी वो एकदम मजाक में थी, और ऐसा कोई भी हैशटैग हमने यूज नहीं किया था जैसा इन्होंने दिखाया। थगेश, शेम ऑन थगेश। देखिए थगेश भाई, जो हैशटैग आपने बताया ना, इससे गंदा हैशटैग भी ट्रेंड करवा सकते थे हम, और करवाया है, लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आपका सम्मान है इसलिए हमने ऐसी चीज नहीं करी। अब आपका सम्मान है ये बात मैं मानता हूं, तो आप भी ये बात मानिए कि सामने वाला आदमी दिया नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और वो चुपचाप बैठ के सुनता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप मेरे कभी ना कभी दोस्त रहे, बस अंतर इतना रहा है कि आपकी जरूरत पर मैं आपके काम आया हूं और मेरी जरूरत पर आप थोड़े से बिजी रहे, तो ऐसे आदमी को मैं दोस्त ना कंसीडर करके सिर्फ और सिर्फ एक आम यूट्यूबर मानता हूं जो आप हो, और इसलिए आपको कॉल आउट किया जा रहा है। इनके अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मोरलिटी होती तो आप एक साइड के लिए बायस नहीं होते, लेकिन आप हो, जेन्युइनली आप हो। अगर मैं चाहूं आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन कभी ना कभी मैंने आपको दोस्त किया, दैट द रीजन इतनी इज्जत से आपको कॉल आउट कर रहा हूं, आपको भी और रजत को भी। अदरवाइज मैं कितनी बदतमीजी कर लेता हूं या मेरी पुरानी वीडियो से भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो इंजीनियर रिवील, जिन्हें आप लोग ऑलरेडी शायद जानते होंगे, इनका ध्रुव राठी का और लफड़ा काफी पुराना है एंड भाई रिसेंटली क्या है कि इंजीनियर रिवील ने ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया भैया कहकर कि ध्रुव राठी जो बोलते हैं ये अपने वीडियो में कि मैं कोई भी वीडियो में बेकार चीज का प्रमोशन नहीं करता हूं, और ना ही मैं चाइनीज गवर्नमेंट का प्रमोशन करता हूं, और ना ही मैं चाइना का ब्रांड का प्रमोशन करता हूं इस तरीके से, एंड मैं कोई स्कैमर वगैरह नहीं करता हूं, काफी बार यार ध्रुव राठी ने ऐसा कहा है। लेकिन इंजीनियर रिवील ने भाई एक चीज दिखाई कि ध्रुव राठी काफी पहले अपने वीडियो में एक चाइनीज क्रिप्टो का प्रमोशन किया था, एक चाइनीज क्रिप्टो का प्रमोशन किया था एंड वो एक स्कैम क्रिप्टो करेंसी थी, एंड वो रेगुलरली प्रमोट किया करते थे, एंड भाई यह चीज सबको पता चल गया कि ध्रुव राठी ने क्या किया है। बाद में ध्रुव राठी ने उस पार्ट को ट्रिम कर दिया था। तो क्या कुछ कहा आप लोग, ये छोटी सी क्लिप देखिए। अब ऑल्सो ध्रुव राठी, दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो? आज तक मैंने किसी चाइनीज कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी, खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ध्रुव राठी ने 2022 में एक वीडियो बनाया था, और इस वीडियो में वो बॉलीवुड के बारे में बताता है।
बताता है कि कैसे बॉलीवुड आखिर पैसे अर्न करता है और इस वीडियो में वो खुद एक स्कैम क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है, PNP Coin एक स्कैम क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जिसको कि चाइना हांगकांग में बैठे कुछ लोगों ने शुरू किया था। जब ध्रुव का काम हो गया तो उसने अपने वीडियो में से वो वाला पार्ट ट्रिम कर दिया और उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ था उसको भी उसने रिमूव कर दिया। पर ध्रुव का काम हो चुका था, जो पैसे उसने प्रोजेक्ट के मार्केटिंग टीम से लिए उसके बदले में उसने लाखों लोगों के दिमाग में पीएनपी कॉइन के लिए पॉजिटिविटी भर दिया था। और ये क्रिप्टो करेंसी वाले प्रोजेक्ट्स जब स्कैम करते हैं ना तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम होता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़। ध्रुव ने चुपचाप अपने वीडियो को ट्रिम तो कर दिया था ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना लग सके। बट वेट मिस्टर राठी, तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे? सो हियर इज द ट्रिम्ड